पिच ब्लैक वॉर ड्रिल है जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। 17 देश इसमें शामिल हैं और यह फ्रांस ये हमेशा करता रहता है। भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स शामिल हैं। आपको मालूम होगा हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें हवा में रिफ्यूलिंग की गई सुखोई 30 MKI में, और ऑस्ट्रेलिया में 6 सितंबर तक चलेगा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। 17 देशों की वॉर ड्रिल पर चीन की कड़ी नजर है और ये चीन के क्योंकि आसपास हो रहा है इसलिए भी चीन को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जबरदस्त टेंशन में है ड्रैगन, क्योंकि चीन के लिए सबसे ज्यादा तनाव की बात है, उसकी धमकियों का असर नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में पिच ब्लैक वॉर ड्रिल जारी है। चीन ताइवान में जंग के हालात के बीच यह वॉर ड्रिल काफी अहम है, अपने आप में चीन को चढ़ाने वाली बात। वैसे तो हर 2 साल पर ड्रिल होती है लेकिन इस साल का माहौल अलग है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अलग है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज में दुनिया के 17 बड़े देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बार वॉर ड्रिल का मकसद चीन के खिलाफ 17 देशों की एकजुटता को दिखाना, बताना, जताना है, और चीन के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी देशों की तैयारी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। वॉर ड्रिल में करीब 100 लड़ाकू विमान और 2500 सैन्य कर्मी हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय वायुसेना भी इस महायुद्ध में हिस्सा ले रही है। भारत की तरफ से सबसे घातक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स इसमें शामिल हैं और भारत ने हवा में ईंधन भरने वाले विमानों को भी इस वॉर ड्रिल में भेजा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। और कहीं ना कहीं ये 17 देश अपनी एकजुटता को दिखा रहे हैं, और जो चीन के लिए वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि चीन लगातार ये कहता रहा है कि ताइवान के साथ जो भी देश खड़ा है हम उसके खिलाफ हैं। और यहां पर आप देखिए 17 देशों में सबसे ज्यादा वही देश हैं जो ताइवान के मुद्दे पर ताइवान के लोगों के साथ, वहां की सरकार के साथ खड़े हैं और उन देशों के साथ खड़े जो इनके साथ हैं। नंबर्स और नाम देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी देश इसमें शामिल हैं जो 17 देशों की हम बात कर रहे हैं। समझा जा सकता है चीन के लिए चिंता की बात क्या है। राजन कोचर सर, ये सवाल आप ही से कि चीन की धमकियां, चीन के वॉर एक्सरसाइजेस, चीन का लगातार इस पूरे रीजन में टेंशन को क्रिएट करने का सारी कोशिश अपनी तरफ, और दूसरी तरफ ये 17 देशों की एक्सरसाइज, क्या ये एक माकूल जवाब समझ रहे हैं आप चीन के खिलाफ? देखिए, इस स्टेज पे तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये एक माकूल जवाब है, बिकॉज ये देशों के बीच ऐसा कोई अलायंस नहीं है, और अगर वो लड़ाई अगर होती है तो ये आप नहीं मान के चल सकते हैं कि सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे। ये बेसिकली वॉर ड्रिल है। हम अपनी टेक्नोलॉजी अपने दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के साथ मैच करते हैं और हम उससे सीख लेते हैं, हमारी अपनी ड्रिल्स हैं, हम उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं। बट डेफिनेटली एक मैसेजिंग भी है, बिकॉज इसमें जो आप देशों की सिलेक्शन हुई है उसमें साउथ चाइना सी के देश भी शामिल हैं, स्पेशली इंडोनेशिया एंड फिलिपाइंस। तो ये देशों को भी अभी एक मौका अपना मिल रहा है अपनी सैन्य ताकत की प्रैक्टिस करने के लिए और दूसरे देशों से अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी को लेने के लिए। तो मैसेजिंग बहुत मायने रखती है। तिवारी सर, अमेरिका, रशिया, चाइना, जिस तरीके से एक मैसेजिंग की जा रही है उस लिहाज से देखें तो 17 देशों की सेनाएं, 100 लड़ाकू विमान, 2500 सैन्य बल अगर एक साथ किसी मेगा वॉर ड्रिल में शामिल होते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, तो यह कहना सही होगा कि यूरोप से लेकर एशिया तक में हम कहीं ना कहीं एक सैन्य हलचल जरूर देख रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप इतिहास में थोड़ा जाएं तो देखिए, ये जो ताइवान स्टेट में जो ये चौथा या पांचवा मोस्ट सेंसिटिव मोमेंट शुरू हुआ है, देखो यहाँ तक कहा जाता है कि चाइना की फोर्स इतनी बड़ी है कि ताइवान, इवन जापान एंड अमेरिका जो अपना फोर्स मोबिलाइज करके वहाँ ला सकते हैं वो भी सफिशिएंट नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने स्टैंड लिया हुआ है उसके लिए कुछ काउंटर करना पड़ेगा। तो ये एक सांकेतिक मैसेज है कि उसके अगेंस्ट 17 देश हैं, वर्ल्ड ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जा रहा है।
यहाँ तक ताइवान का सवाल है, ताइवान तो अपनी तैयारी में बैठा हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसका कवर नहीं करूंगा, लेकिन ये 17 देशों को इकट्ठा करना, ताइवान तो ऐसा है जो सीना ताने खड़ा है वो भी बिना खौफ के।